सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? दुख का निमित्त क्या है? शरीर धारण करना। शरीर धारण का निमित्त क्या है? किसके निमित्त से शरीर धारण करना पड़ा? कर्मों के कारण से। कर्म कैसे हो जाते हैं? इस जीव के साथ कैसे जुड़ते हैं कर्म? तो कहते हैं राग के कारण से। राग कैसे होता है, क्यों होता है? तो कहते हैं अभिमान के कारण से। अभिमान क्यों होता है? कहते हैं अविवेक के कारण से। अविवेक क्यों है? अज्ञान के कारण। किसके कारण से? तो सबका कारण क्या हुआ? देह धारण का कारण और दुख का कारण क्या हुआ? तो अज्ञान ही जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, पूर्ण है, वो स्वयं के अज्ञान से दुख का अपने में अनुभव कर, अनहुए दुख का, अनहुए संसार का अपने में अनुभव करता है। जबकि आत्मा में दुख और संसार ये दोनों की ही संभावना नहीं है। जैसे प्रकाश में अंधेरे की संभावना, सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप। इसी प्रकार अपनी आत्मा, अपनी आत्मा में अज्ञान की, संसार की और दुख की संभावना संभावना ही नहीं है। लेकिन यही तो माया की महिमा है कि जो पूर्ण है, आनंद रूप है, नित्य मुक्त है, उसमें उसको बंधन की प्रतीति होने लग जाती है। क्या होती है? बंधन की प्रतीति हो रही है माया से। किसमें? नित्य मुक्त में। दुख की का अनुभव हो रहा है किसमें? आनंद घन में। नाश होने का भय बना हुआ है किसमें? सत में, अविनाशी में। अपने आप को अज्ञान जड़ रूप समझ रहा है। कौन? जो चिद है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो जो सत रूप है, अपने में असत पने का भ्रम। और जो चिद रूप है, अपने में अज्ञान जड़ता का भ्रम। जो आनंद रूप है, अपने में बंधन और दुख का अनुभव भ्रम। किससे? माया से। है ना आश्चर्य की बात? लेकिन ये जो माया है, ये माया हटती नहीं है। बिना गुरु कृपा के ये माया जो है ना, ये माया हटती नहीं। गुरु की कृपा से क्या होता है? ये माया जब हटती है तब क्या अनुभव करता है? अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म रूप अनुभव। उसकी कृपा से गुरुदेव मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
मोक्ष का मूल क्या है? गुरुदेव की कृपा ही। गुरुदेव की कृपा से अज्ञान भ्रम दूर हो जाता है और जीव पावनिज सहज स्वरूप, जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। क्योंकि जीव में तो स्वयं इतनी शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं है कि अपने विकारों का परित्याग कर पाए, अज्ञान से बाहर निकल पाए। इसीलिए कौन चाहिए? इसीलिए भगवान चाहिए और इसीलिए गुरु चाहिए और गुरु भगवान चाहिए। क्या चाहिए? गुरु भगवान की कृपा से क्या हो जाता है? मल भी दूर हो जाता है, विक्षेप भी दूर हो जाता है और आवरण भी दूर हो जाता है। किसकी कृपा से? गुरु भगवान की कृपा से। तो कौन होना चाहिए? अब जिसके सर पे गुरु भगवान नहीं तो फिर वो क्या है? अभिमान में रह जाता है। क्या रह जाता है? अज्ञान में रह जाता है। और गुरु के चरणों में भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है, तो क्या होते हैं? सभी कुछ मिल जाते हैं। कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। गुरु ही गंगा, गुरु ही यमुना, गुरु ही सरस्वती, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव, सब कुछ कौन है? तो गुरु भक्ति से सब क्या हो गया? सब कूड़ा कचरा बह गया, सारा मैल, सारा मान गुमान क्या हुआ? गुरु भक्ति से सब धुल गया, निर्मल हो गया। सब किससे? ये गुरु भक्ति की महिमा। और ऐसी भक्ति हो गई गुरु के चरणों में, क्या हो? ऐसी भक्ति हो तो गंदे होके जाऊंगे क्या गुरु जी के सामने? मंदिर में जाऊंगे तो गंदे हैं, छल कपट करोगे? मंदिर में कैसे जाते हैं? साफ सुथरे नहा धो के, है ना? तो विकार लेके, मल विक्षेप लेके, अहंकार लोभ आदि लेके गुरु के सामने जाएगा? गुरु चरणों में जो समर्पित हो गया तो उसमें तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकते, होने ही नहीं चाहिए। गुरु चरणों में है ना। लेकिन बात तो ये होती कि शिष्य बन नहीं पाता। शिष्य बनने का मतलब है सारे मल विक्षेप विकार दूर हो जाने चाहिए, अहंकार आदि। और फिर क्या है? फिर तो बस गुरु जी बताएंगे। क्या बताएंगे? तू शरीर नहीं है, तू दृश्य नहीं, अनात्मा नहीं, जड़ नहीं, तू क्या है? चेतन है, साक्षी है, आत्मा है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, नित्य मुक्त है। ये सब क्या हो जाएगा? ये गुरु की कृपा से अनुभव में आ जाएगा। तो गुरु जी तो यो बंधन काट देते हैं, है? वो कहते हैं ना, इसलिए तीर्थ जाए एक फल, क्या संत मिले फल चार। क्या बोला है? तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहते कबीर विचार। क्या है? सदगुरु मिले अनंत फल। सदगुरु मिल जाए तो, और सदगुरु के चरणों में ऐसी भक्ति, ऐसा भाव हो, इतनी श्रद्धा हो, इतना समर्पण हो, तब क्या है? तब तो जन्म जन्म के बंधन यूं कट जाते हैं, नहीं कट जाते हैं। सब महिमा किसकी हुई? गुरु की। मोक्ष चढ़ते हैं वो जो गिरते हैं, चढ़ते हैं वो जो गिरते हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरण में। पढ़ते हैं वो जो रुकते हैं, गुरुदेव तुम्हारे। सेठ जी बड़े ज्ञानी हैं, सारा ज्ञान छिपा रखा है सेठ जी ने, है ना?
बढ़िया बात है, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं आपके गुरुदेव आपके चरणों, और वही जो गुरुदेव आपके चरणों में रुकते हैं पहुँचते हैं वो जो गिरते हैं आपके आपके चरणों में, और बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं वही जो रुकते हैं आपके चरणों में, ये है ना। पता नहीं बुढ़े थोड़ा बुढ़ापे का भी कहीं वो तो छोंक तो लगेगा ही थोड़ा सा छोंक लग जाता है ना। अच्छा जी चलो देखो यहीं पर अज्ञान बताया है सबका कारण, और अज्ञान तो ज्ञान से दूर होगा, और गुरु बिना ज्ञान कैसे, और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। हाँ देखो अज्ञान नाम बताया है, अज्ञान किसको कहते हैं जो अनादि सद असत से भिन्न अनिर्वचनीय जो त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी भाव रूप पदार्थ है। अभाव रूप नहीं है, अंधकार को माना है अभाव रूप, प्रकाश का अभाव रूप, मतलब दो चीज नहीं है, प्रकाश है अंधकार क्या है जी, कहते प्रकाश का न होना है? ऐसे ही अज्ञान ऐसा नहीं है ज्ञान का न होना, अज्ञान क्या है, अज्ञान को भी भाव रूप पदार्थ माना है ना। जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि गिनते हैं ना भाव रूप पदार्थ, ऐसी अज्ञान को भी भाव रूप माना है, अभाव रूप नहीं माना है। क्योंकि अभाव रूप मानने में कई तरह की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाए, तो प्रक्रिया के लिए बता रहे हैं, बाकी ज्यादा मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि अज्ञान नाम का कोई पदार्थ कहीं मिलेगा, समझ आ रहे हैं। तो ये सब समझाने की प्रक्रिया है। तो अज्ञान जो है भाव रूप पदार्थ माना है, ज्ञान का विरोधी का है, ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान का विरोधी। और अंधकार क्या है, प्रकाश का विरोधी नहीं है, अंधकार है प्रकाश का न होना, समझ लेना भेद, समझ आ रहा है। अंधकार क्या है, प्रकाश का अभाव अर्थात प्रकाश का न होना, लेकिन अज्ञान क्या है, ज्ञान का न होना अज्ञान नहीं है, ज्ञान का विरोधी मतलब वो है, वो है, अंधकार है ही नहीं, अंधकार कुछ है ही नहीं, प्रकाश का न होना ही अंधकार है, लेकिन अज्ञान है जो ज्ञान का क्या है विरोधी। इसलिए इसको भाव रूप पदार्थ कहा है। और जो यद किंचित इति जो कुछ है, यद वदन्ति सब कहते हैं अहम अज्ञा मैं अज्ञानी हूँ जी, क्या बोलते हैं मैं अज्ञानी हूँ, रहता कहाँ है बुद्धि में, अज्ञान कहाँ रहता है बुद्धि में रहता है ना। इत्यादि अनुभवात ऐसा सबको अनुभव होता है, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढाम इत्यादि श्रुते है, क्या बोला है कि जो देवात्म शक्ति देव की जो आत्मशक्ति आत्मदेव आत्मदेव की जो स्वयं की शक्ति है, क्या शक्ति है सतचिद आनंद, क्या शक्ति है देव माने आत्मा, और आत्मा का जो शक्ति स्वरूप है वो क्या है सतचिद आनंद, वो जो सच्चिदानंद है वो स्वगुणैर्निगूढाम और अपने ही जो गुण है माया उसके द्वारा ढका हुआ छिपा हुआ, क्या होता है अपना ज्ञान अपने ही अज्ञान से छिप जाता है, छिपा हुआ है ना। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कहाँ है जी गीता जी में ही है क्या,
हैं, अज्ञानेना आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा क्या हो गया, ज्ञान ढका गया। तेन मोह्यन्ति जंतव, इसी कारण से सबके सब जीव मोहित। आगे क्या है, इसकी यही है क्या, अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतव। कैसे, यथोल बेनावृतो गर्भस्थ था तेने दमावृतम, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्पुरेणा नलेन च न। ये गीता का नहीं है फिर इसका मतलब, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम अलग है, गीता जी में तो इतना ही है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, नहीं अभी गीता में तो अलग है ना। ऐसे आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, वहाँ पर काम के लिए बताया है ना, काम क्रोध क्या बताया, आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतिर्विमोहत्येष ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ऐसे करके आया है ना, ज्ञानी ज्ञान का नित्य ही क्या है, ये शत्रु है, कामना क्या है नित्य ही शत्रु है, और जितना भी भोजन दे उतना ही क्या है कम है ना, बढ़ती ही जाती है तृष्णा क्या होती है बढ़ती जाती है। अच्छा जी यहीं पर आओ, तो देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ा, देव की जो आत्मशक्ति है वो स्वयं इसके गुणों से ही क्या है छिपी हुई है, है? ये इत्यादि श्रुते, ये श्रुति भी प्रमाण है, किसमें प्रमाण है, अज्ञान में प्रमाण है, किसमें प्रमाण है, अज्ञान की, ये जो अज्ञान है ये ढक लेता है अज्ञान में, तो प्रमाण दे रहे ना, और अज्ञान से सब कुछ है, अज्ञान से अविवेक सब बताया ही है, आगे देखो बता ही रहे हैं। तस्माद, इसलिए अभी क्या बता दिया, अभी बताया था क्या, किस प्रकार से ये गिरा है वो बताया था, नीचे से शरीर दुख शरीर के कारण, फिर उससे ऊपर शरीर क्यों प्राप्त हुआ, कर्म से, कर्म क्यों हुए राग से, राग क्यों है अभिमान से, अभिमान क्यों है अविवेक से, अविवेक क्यों है अज्ञान से। अब नीचे की ओर बता रहे हैं देखो कैसे, तस्माद अज्ञानाद अविवेक जायते, अज्ञान से क्या होता है, जब ज्ञान ना होवे तब क्या हो अविवेक होता है, अविवेकाद अभिमानो जायते, और अविवेक से क्या होता है अभिमान उत्पन्न होता है, जब विवेक नहीं होगा तो क्या आएगा अभिमान आएगा जीवपना, अभिमानाद रागादयो जायन्ते, और अभिमान होने से क्या होगा रागादि होगा ना, राग फल की तृष्णा फल की चाह ये किसके कारण से होती है, है अभिमान के कारण से राग होता है ना, रागादिभ्यः कर्माणि जायन्ते, और रागादि से क्या होते हैं कर्म बनते हैं, राग द्वेष पूर्वक जो कर्म किया है उन कर्मों का फल होता है ना, तो कर्माणि जायन्ते, कर्म करता है, कर्म करता भी किसी फल के लिए, और कर्मभ्यः शरीर परिग्रहो जायते, और कर्मों से क्या मिलता है, अब उन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिलता है, कर्मों का फल भोग के लिए क्या मिला शरीर मिला, कर्म से शरीर मिल गया, शरीर परिग्रहात दुखम जायते, अब शरीर है तो फिर क्या है दुखी दुख है, भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा जन्म मृत्यु संयोग वियोग मान अपमान निंदा स्तुति
हैं और क्या है सब कुछ किससे है शरीर से। समझ आया? तो शरीर के ग्रहण होने से ही दुख है और इसका इन सब का कारण अविवेक और अज्ञान है। और ये अविवेक दूर हो जाए अज्ञान दूर हो जाए तो फिर क्या है, फिर आनंद ही आनंद। जो कुछ होना है वो तो होगा ही, होता ही रहेगा, लेकिन विवेक होने से ज्ञान होने से क्या है, विवेक बना रहने से उसमें समता बनी रहे, विचलित नहीं हो। स्वीकार पहले ही हो चुका है, पहले स्वीकार हो गया शरीर तो मरना ही है। जिसको अज्ञानी कभी स्वीकार नहीं करते हो, ज्ञानी कब का स्वीकार करके बैठे, मरा हुआ ही है। संन्यास जब दिया जाता है तब इसी उससे तो कि क्या है ये मरा हुआ है। पिंड श्राद्ध आदि सब करवा देते हैं ना, अब क्या है शरीर शव है, मुर्दा है, ये मरा हुआ ही है। जिस मरने से सब डरते हैं संसारी अज्ञानी, लेकिन विवेकी क्या डरेगा, तो मरा हुआ ही है पहले से, कभी भी मर जाए, मरा हुआ ही तो था, छोड़ दिया, छूट गया है। कर्म जब तक प्रारब्ध है तब तक इसके साथ में संबंध है, बाकी है तो ये मरा हुआ ही। इसलिए अज्ञान अविवेक न होने से उसको कोई भय, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। सब कुछ होते हुए, दुख होते हुए, प्रतिकूलताएं होते हुए भी उसको कोई दुख नहीं। हाँ जी, दुखस्य कदा निवृत्ति ही, ये बताओ जिस दुख से कैसे पिंड पिंड छूटेगा। हाँ? सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा कैसे मिले, चाहते हैं क्या, चाहते दुखों से छुटकारा कैसे, सब चाहते, कौन नहीं चाहता। यतन भी इसीलिए हो रहा है, भूख लगती है, भूख का दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए भोजन करते हैं। सर्दी लग रही है, शरीर ठिठुर रहा है, दुखी है, उसको दूर करने के लिए कंबल ओढ़ते हैं। बरसात में भीग रहे हैं तो दुख दूर करते हैं, नहीं करते हैं, छाया में चले जाते हैं। धूप तेज लग रही है, रोग है शरीर में तो दवाई लेते हैं, किस लिए, दुख दूर करने के लिए। लेकिन इन सब साधनों से जो दुख दूर होता है, एक तो क्या होता है, कुछ काल के लिए होता है, सदा के लिए नहीं होता। दूसरा, एक आध दुख ही तो दूर होता है। अब भूख लगी तो भोजन से तो केवल भूख का दुख ही तो दूर हुआ, जो सर्दी लग रही थी, जो रोग है वो, और ये दुख दूर हो भी गए तो सदा के लिए हो जाते हैं क्या, पुनः पुनः और नए नए दुखों का आना जाना लगा रहता है, नए नए दुख और दुखों का, एक की निवृत्ति करते दूसरा आ जाता है। और तृष्णा के दुख की कोई सीमा ही नहीं है, तो दुख ही दुख है। तो ये दुखों की निवृत्ति हो जाए सदा सदा की, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती ना, जड़ सहित आप काटते फिर फूट जाता है। हैं, आपने क्या किया, कटिंग कर दी, फिर क्या होता है वो और ज्यादा ताकत के साथ में और तेजी से बढ़ता है दुख। तो कैसे इन दुखों की निवृत्ति होवे, तो कहते हैं देखो, सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशे सति दुखस्य निवृत्तिर्भवति। सर्वात्मना माने संपूर्ण रूप से, पूरी तरह जड़ सहित, क्या बोलते हैं, सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशे, शरीर जो धारण किया हुआ है
शरीर का नाश हो जाए, अर्थात दोबारा शरीर धारण ना करना। अब शरीर का तो नाश होता है ना, होता है नहीं होता है, कितने शरीर धारण किए कितने छूट गए, लेकिन दोबारा फिर शरीर मिल जाता है, फिर दुख भोगते हैं, फिर छुटकारा। कई लोग तो बेचारा लटक जाते हैं लेकिन फिर शरीर मिल जाता है, फिर शरीर छूटता है, फिर शरीर मिल जाता है, शांति शांति से बैठ नहीं देते। जैसे ही आया था काम निपटा के चल अब ये करके आ। जैसे हमारा बूढ़ा मैनेजर था ना बेचारा सीताराम, पूरी दोपहर ही पसीना पसीना रहता, साइकिल पे दौड़ाता रहता। अब ये काम करके क्या तेल का भाव पूछ के अब चने का भाव पूछ के, फिर वो फिर आया थोड़ा थोड़ा पसीना पसीना पूरी तरह पूरी गर्मी में, कह अब क्या उसका भाव पूछ के मटर का, कह अब क्या बिजली का वो करके आ बिल जमा, कह अब क्या वो गैस की एंट्री करा के ला या बुकिंग करा के आ, फिर आया बेचारा फिर क्या अब ये करके आ। पूरी दोपहर ही कोई मतलब नहीं था उसको, वो आता दौड़ा दौड़ी। अब वो इन बातों में ईमानदार आ, ये नहीं कि कहीं टाइम पास कर रहा हो समय बर्बाद करे, उसको काम करने की रुचि रहती, दौड़ा दौड़ा जाता दौड़ा दौड़ा आता, कर्तव्य निष्ठा। ये भी तो कम लोगों में होती है ना, लोग तो चोर है आजकल, 10 मिनट का काम घंटा लगा देंगे। बिहारी स्टाइल जानते हो, धीरे 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 धीरे, कहना हमारे रामानंद जी का कदम भी गिन गिन के रख दे आजकल बिहारी स्टाइल अच्छा है, सबने अपना लिया। धीरे धीरे ऐसे नहीं काम लगो और क्यों निमटा देगा, फिर दूसरा काम प्रतीक्षा करेगा, दूसरा करना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं धीरे 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 धीरे। ये बिहारी स्टाइल है, इसको रामानंद जी ने नामकरण किया हुआ है ये। अच्छा जी, ऐसे बताते हैं, ऐसे नहीं, कैसे करना है, सर्वात्मना संपूर्ण रूप से हो। तो सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशे सती दुखस्य नृत्यर भावती। तो शरीर ही प्राप्त ना हो दोबारा, शरीर का नाश तो होता है, थोड़ी सी चैन मिलती है, क्यों अब ना भूख ना प्यास ना सर्दी ना गर्मी, लेकिन कितने देर खैर मना है कि चल वे कर्म आ जाते हैं जो किए हुए हैं, और क्या चल भाई इनको लेके ये ले जा साथ में, ले ये पकड़ और जा, चेक दे दिया जाता है, वो चेक लेके गया था उसके कैश दे देते हैं, जाकर क्या करते हैं आप चेक लेके गए थे, संचित कर्मों का चेक लेकर के आप गए, और आपको क्या करते हैं प्रारब्ध कर्मों का कैश दे देते हैं कि जा खा पी मौज उड़ा दुख सुख भोग, ऐसे ही करते हैं ना, कैश दे के भेज दिया जाता है प्रारब्ध कर्मों का है? अब क्या है वो तो भोगना ही पड़ता है। शरीर का परिग्रह का जो नाश है सर्वात्मना माने संपूर्ण रूप से हो जाए, दोबारा शरीर प्राप्त ना हो तो दुखस्य निवृत्तिर भवति, दुख का नाश हो जाए। सर्वात्म पदम किमर्थम, कह जी सर्वात्म पद क्यों दिया है, हैं संपूर्ण रूप से क्यों दिया है, तो बतलाते हैं सुषुप्त्यवस्थायां दुखे निवृत्ते भी पुनरुत्थान समये उत्पाद्यमानत्वाद् वासनात्मना स्थितं भवति। क्या है सुषुप्ति अवस्था में दुखे निवृत्ते अपि, क्या है ठीक पढ़े कुछ पंक्ति तो नहीं छूटी है जी, ठीक पढ़ रहे ना, हाँ तो सुसुप्ति अवस्था में दुख की निवृत्ति हो जाती है, दुख नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान समय ये फिर जब सो करके उठता है उत्पाद्यमानत्वात्, क्या होते हैं फिर वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो सुसुप्ति अवस्था में वासनात्मना स्थितम भवती,
वासना रूप से बीज रूप से क्या होते हैं, बीज रूप से जो ये कर्म है, ये जो वासना है, ये बनी रहती है। सुषुप्ति अवस्था में तो कोई दुख नहीं है क्या, लेकिन बाहर प्रतीक्षा करते रहते हैं। बाहर क्या करते हैं, सो अभी सो रहा है, सो के उठने दो, बस उठते ही तुरंत हथकड़ी डाल दी जाती है। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वो प्रतीक्षा करते हैं कि जैसे ही निकले वैसे ही पकड़ लेंगे। तो कर्म जो है दुख, वो क्या करते रहते हैं, इसकी दरवाजे पर खड़े हुए, स्वप्न के और जागृत के दरवाजे पर खड़े हो के क्या करते हैं, सारी देहली पर खड़े, जिधर से भी निकलेगा उधर से पकड़ लेंगे। तो इसी कारण से सर्वात्म पद दिया है, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्या हो, शरीर के परिग्रह का नाश, शरीर प्राप्त ही ना हो, संपूर्ण रूप से दोबारा प्राप्त ही ना हो। सुषुप्ति में तो शरीर नहीं है, लेकिन उठते ही शरीर तुरंत पकड़ लेता है ना, तुरंत शरीर में जग जाता है। इसीलिए दिया है सर्वात्म पद, संपूर्ण रूप से नाश हो जावे शरीर के परिग्रह का। अतः तन्निवृत्त्यर्थम सर्वात्म पदम, इस बात की निवृत्ति के लिए सर्वात्म पद दिया कि सुषुप्ति में क्या है, शरीर तो नहीं है लेकिन ये सारी वासना तो है, शरीर आदि की वासना तो है ना, इसलिए फिर धारण हो जाता है, जगते ही शरीर फिर प्राप्त हो जाता है, सुषुप्ति में तो नहीं है ना, इसीलिए सर्वात्म पद दिया है। तो कहते शरीर परिग्रह निवृत्ति कदा भवती, क्या बताएं, दुख की निवृत्ति कैसे होती है, कब होगी, जब शरीर के परिग्रह का नाश होगा, संपूर्ण रूप से शरीर धारण नहीं होगा तब दुख का नाश होगा। तो कहते शरीर परिग्रह की निवृत्ति कदा भवती, शरीर ही ना मिले तो कैसे होगा, तो कहते सर्वात्मना कर्मणि निवृत्ते सति, संपूर्ण रूप से सारे के सारे कर्म निवृत्त हो जाए, संपूर्ण रूप से जब कर्म नहीं होंगे तो शरीर कैसे मिलेगा, कर्मों से तो शरीर मिल रहा है ना, उन कर्मों का फल भोग के लिए ही शरीर मिला है, जो भी सुख दुख है पाप पुण्य, जब कर्म ही नहीं होंगे तो शरीर प्राप्त नहीं। तो संपूर्ण रूप से कर्मों की निवृत्ति हो जाए, सारे कर्म समाप्त जब हो जाएंगे ना आपके, समस्त कर्म जब समाप्त हो, भोग लोगे, अब कल आपको बताया था कि कर्मों को भोग करके समाप्त करना संभव है क्या, तो ये जो सारे कर्म है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुना, ज्ञान रूपी अग्नि से ही समस्त कर्म भस्म हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई, कर्मों को अशेष करने का, नाश करने का, निवृत्त करने का ज्ञान के अलावा और कोई उपाय, और बल्कि कर्म करता ही रहता है, क्या करता रहता है, कर्म करता है, जितना करता है उतना ही फंसता है, जितने कर्म करता है उतना ही क्या होता है, उतना ही फंसता है।
तो कह ना करे तो जी तो मूड और ज्यादा फंसता है, फिर कैसे छुटकारा मिले। ना करे तो मरे, करे तो मरे, क्या करें, कैसे सत्संग करो, या फिर करोगे तो भी नहीं मरोगे, नहीं करोगे तो भी नहीं मरोगे। जब ज्ञान होगा ना तब कर्म करोगे, तो तब जानता है कर्म किससे हो रहा है, उपाधि से होता है। तो कर्मों का कर्ता भोगता नहीं बनेगा, और कर्म हो रहे, कर्म नहीं हुए तो भी क्या है, शरीर का प्रारब्ध जैसा है। शरीर आदि से कर्म होवे तो भी ज्ञानी तो अकर्ता ही है, अभोगता ही है। शरीर आदि से कर्म ना होवे तो भी वो क्या है, अकर्ता अभोगता ही। तो ज्ञानी तो कर्म करे तो भी नहीं बनता है, कर्म ना करे, और अज्ञानी दोनों तरफ मरना ही मरना है। कर्म क्यों किया था तो थप्पड़ लगेगा, क्यों किए थे कर्म तो पीटेगा ना, और क्या कर्म क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं किया था तो भी पीटेगा, अब करेगा है? कर्म क्यों किए थे थप्पड़ है, क्यों नहीं किए थे तो भी थप्पड़, इसको अज्ञानी। और ज्ञानी के कर्म किए थे, कहते हैं आपकी महिमा। शरीर ज्ञानी के द्वारा कर्म हो रहे हैं तो भी क्या है, आपकी महिमा, और कर्म नहीं हो रहे हैं तो भी आपकी महिमा। सब क्या है, दोनों तरह से ही आनंद है, और अज्ञानी की दोनों तरफ से ही मृत्यु है। तब देख लो आप, अज्ञान को सहन नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम कह रहे हैं ना, बड़े सहनशील है श्री राम, बहुत सहनशील, पर क्या कहते हैं, अज्ञान को सहन नहीं करूंगा। इतना सहनशील भी क्या कह रहा है, और आप संसारी लोग कहते हैं सब कुछ सहन कर लेंगे, पर मतलब कुछ सहन करे ना करे लेकिन अज्ञान को जरूर सहन कर लेंगे। सब अज्ञान को सहन कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे, पकड़ा हुआ है। श्री राम उल्टा कहते हैं, श्री राम कहते सब कुछ सहन कर लूंगा पर जब तक इस अज्ञान को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकूंगा, ना नहाऊंगा ना खाऊंगा, ना संध्या करूंगा, ना वस्त्र बदलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अज्ञान को जड़ से उखाड़ना है मेरे को, क्योंकि बहुत दुख दिया है इस, सारा जन्म मरण भय चिंता क्लेश रोग शरीर संयोग वियोग दुख विपत्ति जय पराजय शत्रु मित्र संकट भय चिंता क्लेश अशांति सबका मूल ये अज्ञान है। इस अज्ञान ने मुझे बहुत सताया है, अब मैंने अपने शत्रु को देख लिया है, अब मैं इसको बिल्कुल भी, यही मेरा शत्रु है, शत्रु मिल गया, और शत्रु को रोग को कर्ज को कहते ना, कर्ज को और मर्ज को क्या करना चाहिए, और शत्रु को जड़ से उखाड़ना चाहिए क्या है जी, कर्ज मर्ज और शत्रु जड़ से उखाड़ो, अन्यथा बाद में क्या देंगे। योग वशिष्ठ में आई थी है ना कथा, योग वशिष्ठ में कथा आती है ना कि एक हाथी था, उसको किसी दुष्ट महावत ने पकड़ लिया, बहुत कष्ट दिया, बड़ी गुलामी भोगी है, और एक बार उस हाथी को मौका मिल गया। अब वो भाग निकला, चाहता तो उस महावत को मार सकता था, पर उसने उसको छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। परिणाम ये हुआ कि वापस फिर उसने उसको पकड़ लिया है। तो यही दृष्टांत दिया है कि इसी तरह अज्ञान के ऊपर थोड़ी सी भी दया कर दोगे ना
तो क्या करेगा ये, फिर पकड़ लेगा, फिर 84 के चक्कर में डाल देगा। इसलिए अज्ञान पर दया श्री राम के, श्री राम बड़े दयालु हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अज्ञान पे दया नहीं करूंगा। ऐसे दयालु भी, और आप क्या कहते हैं, संसार में तो किसी पर दया नहीं करेंगे, और अज्ञान को कहे तो हमारा प्यारा है अपने गले से चिपका के रखेंगे, जबकि सारे बंधन अशांति दुख संकट का मूल क्या है, अज्ञान। समझ आया? हाँ, तो इसलिए क्या करना है, अज्ञान की निवृत्ति करनी है मूल के से, जड़ के से। तो देखो क्या बताया है, तो शरीर के परिग्रह की निवृत्ति कब होगी, जब सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे संपूर्ण रूप से। अब कर्म समाप्त तो होंगे नहीं, भोग करके तो समाप्त किए नहीं जा सकते, ज्ञान से भस्म हो जाए। ऐसे ही है जैसे कोयला, कोयला होय न ऊजला है, क्या चाहे नोमन साबुन लाए, ऐसा कितना ही साबुन से रगड़ो कोयला हो जाएगा क्या सफेद, और एक मिनट एक चिंगारी से हो जाएगा तुरंत है, आग लगा दो सारा कोयला क्या हो जाएगा, सफेद राख है। तो वैसे ही है ये जो कर्म है ना, ये तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन ज्ञान की आग लगा दो, ज्ञान की आग से क्या हो जाएंगे, सारे भस्म हो जाएंगे, केवल ज्ञान की आग से। समझ आया? हाँ, तो देखो तो सर्वात्मना कर्मणि निवृत्ते सति, संपूर्ण रूप से कर्मों की निवृत्ति हो जाए तब शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो कहते कर्म निवृत्ति ही कदा भवति, कहते कर्मों की निवृत्ति कैसे होगी जी संपूर्ण रूप से, तो कहते सर्वात्मना रागौ रागादौ निवृत्ते सति, संपूर्ण रूप से राग आदि मिट जाए तो क्या होगी, कर्मों की निवृत्ति हो जाए, राग ना रहे, क्योंकि राग आदि से क्या होता है, राग फल की तृष्णा ईर्षा द्वेष अहंकार इनसे क्या होते हैं, कर्म बनता है, कर्मों का फल बनता है। तो राग आदि ना हो तो कर्म होते हुए भी उन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़े, कर्म करते हुए भी राग आदि न होने के कारण से कर्म फल आपको बांधेगा नहीं, अन्यथा कर्म फल बांधा हुआ है ना, कर्मों ने बांधा हुआ है इस जीव को, कर्मों से प्राप्त हुआ है ना शरीर और संसार, कर्मों से प्राप्त। तो राग आदि ना होवे तो कर्म और कर्म फल आपको नहीं बांधेगी। तो कह दिया है सर्वात्मना रागादौ निवृत्ते सति कर्म निवृत्तिर भवति, संपूर्ण रूप से रागादि के समाप्त हो जाने पर कर्मों की समाप्ति हो जाती है, कर्म बनते ही नहीं है, कर्म बनते नहीं है। रागादि निवृत्ति ही कदा भवति, रागादि की निवृत्ति कैसे होगी जी, जी भी तो बताओ। तो कहते सर्वात्मना अभिमाने निवृत्ते सति, संपूर्ण रूप से अभिमान दूर हो जाएगा ना तो फिर राग राग द्वेष आदि नहीं होंगे। अभिमान के कारण से ही
अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष, इसके कारण से अभिमान के कारण से। तो कहते हैं संपूर्ण रूप से अभिमान नाश हो जाए तब क्या होगा, राग आदि की निवृत्ति हो जाए। जो कितना स्पष्ट खोल खोल के बता रहे हैं ना एक एक बात। तो राग आदि निवृत्त हो जाएंगे, अभिमान के निवृत्त होने पर संपूर्ण रूप से अभिमान नष्ट हो जाए। तो कहते कदा अभिमान निवृत्ति, अभिमान की निवृत्ति कैसे होगी जी, देह आदि में इंद्रिया मन बुद्धि में जो अभिमान है, तो इस अभिमान की निवृत्ति कैसे होगी। तो कह दिया सर्वात्मना अभिवेकस्य निवृत्ते सति, पूरी तरह से अभिवेक दूर हो जाए, पूरी तरह से अभिवेक के दूर हो जाने पर अभिमान नहीं होगा। अभिवेक हो गया ना, अभिवेक दूर हो गया तो पता लग गया किसका अभिमान, ये सब नश्वर है, ये सब जड़ है, तो फिर इनका अभिमान होगा क्या, इनका अभिमान नहीं होगा। पता लग गया ना सही सही, जिसको तू मैं मान रहा है, मेरा मान रहा है, वो जैसे हम अभिमान कर रहे थे किसका, इसका, पता लगा कि जी आपका नहीं तो मेरा है, ओहो फिर अभिमान करते उसका है, फिर अभिमान नहीं करते ना, कई बार होता है ना पुस्तक किसी की है तो उसका अभिमान कर रहा है, फिर पता लगा कि नहीं जी आपका नहीं है, ये तो अनेकों बार ऐसे भ्रम होते रहते हैं। मकान देखने गए, देखना था दूसरा और दिखा दिया गया दूसरा, तो उसका हम क्या करते, बड़े प्रसन्न होते कि अच्छा ये हमारा है या ये हमें मिलने जा रहा है या इसको हम खरीद रहे हैं, प्रसन्न। फिर बाद में पता लगता है जी ये वाला नहीं, जो सबसे पुराना सा था ना जी, ये बिका हुआ है, इसको इसका सौदा हुआ है, अभिमान हो गया ना दूर। अभी क्या हो रहा था, अभिमान कर लेता है ना, किसके कारण से, अविवेक के कारण। और जब विवेक हुआ, पता लगा कि ये शरीर कहते तो जड़ है, पांच तत्वों का पुतला मात्र है, और ये तो क्या है, अशोभन है, मलिन है, पता नहीं है ना क्या मानता है, शोभन, शोभन बुद्धि है ना, फिर क्या बुद्धि, जब समझ आ जाएगी विवेक होगा तब क्या पता लगेगा कि ये तो अशोभन रूप है, मलिन रूप है, कब पता लगेगा, जब विवेक होगा। और विवेक ना होने से, अविवेक होने से शोभन प्रियता ये बुद्धि हो, अविवेक कारण हुआ ना, अभिमान का कारण क्या है, अविवेक। अब पूछ रहे जी कदा अविवेक निवृत्ति, अविवेक की निवृत्ति कदा होगी, कब होगी, समझते जा रहे हो नहीं समझ आ रहा है, ये तो जुड़ी रहे आपस में, अपने आप ही जुड़ रहे हैं, कहानी कहानी की तरह जुड़ते जा रहे हैं। तो अविवेक की निवृत्ति कदा होगी, तो कहते अज्ञाने सर्वात्मना निवृत्ते सति, संपूर्ण रूप से अज्ञान के निवृत्त होने पर अविवेक की निवृत्ति हो जाएगी, अविवेक की निवृत्ति हो जाएगी तो अभिमान की निवृत्ति हो जाएगी, अभिमान की निवृत्ति होगी तो राग आदि की निवृत्ति हो जाएगी, राग आदि की निवृत्ति होगी तो कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी, कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी तो शरीर की निवृत्ति हो जाएगी, और शरीर नहीं होगा तो
दुख भी नहीं होगा। शरीर नहीं होगा तो क्या, और शरीर हमने तीनों शरीर बोल दिया था, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो अज्ञान है, हैं? और राग आदि क्या है, वो सूक्ष्म शरीर है। अभिमान देखो, अविवेक, अभिमान, राग किसमें, तीनों शरीर आ गए ना, नहीं आ गए? अज्ञान कारण शरीर, अज्ञान क्या है और अविवेक, अभिमान, राग, ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर तो शरीर है ही, तो तीनों शरीर आ गए ना, नहीं बातों में भी। तो शरीर की निवृत्ति हो जाने पर दुखों की निवृत्ति हो जाए, समझ आया? तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए जी संपूर्ण रूप से। कदा अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति कब होगी जी, अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? तो कहते हैं ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना भवति। अज्ञान दूर करते रहते हैं ना, उतने में सुखी होते रहते हैं। अंधेरा था, प्रकाश हो गया, तो अज्ञान दूर हुआ ना। भोजन बनाना नहीं आता था, बड़ा डर लगता है। अब जैसे कोई कन्या हो, विवाह योग्य हो, और विवाह हो गए, अब उसको बड़ा डर रहता है, भोजन बनाना आता नहीं है, उसको क्या रहता है, आजकल वाले को थोड़ा होता है ऑर्डर स्विगी, हैं क्या कहते हैं, स्विगी और जोमेटो, हैं ऑर्डर दे देते हैं ना, अमेजन, अमेजन भी होता है, अमेजोन, अमेजोन में भी देते हैं खाने का ऑर्डर, अच्छा स्विगी, स्विगी में देते हैं तो भोजन का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन पहले कन्याएं क्या थी, डरेगी ना कि भोजन बनाना है, वो एक बहुत बड़ी परीक्षा है, ससुराल में जाकर के क्या है, बहुत बड़ी परीक्षा, सब पूरा का पूरा डिपेंड, भोजन बनाना ही नहीं आता तो सबसे पहले चीज क्या पूछते, भोजन बनाना आता है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, ये सब चीजें ना। अब तो नहीं ना, अब ये पूछ लिया तो अब विवाह इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये क्यों पूछ लिया, कन्या ही मना कर देगी ना, किस बात, ये कैसे पूछ लिया, ये पूछने की हिम्मत कैसे होगी, हाँ कहना कुछ तो जो है 10,000 का रख लेना है, अब मैं करोड़ की हूं, ऐसा है ना। तो देखो इसलिए क्या बताया है, ये कहाँ से आ गई, अज्ञान से आ गई, अज्ञान से आ गई ना। तो जैसे भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है, रसोई में गया आदमी तो क्या है, उसके सामने तो अंधेरा है, लेकिन भोजन बनाने का ज्ञान है तो उतने अर्थ में वो भय से, दुख से मुक्त हो गए, उतने अर्थ में हुआ ना। अब किसी को प्रश्न हल करना आता है तो उतने अर्थ में क्या होता है, वो दुख से, तो ज्ञान क्या करता है, सुखी करता है, और अज्ञान से क्या मिलता है, दुख मिलता है। ज्ञान तो होना चाहिए ज्ञान, लेकिन संसार का ही ज्ञान किया, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो ये ही तो सारे दुखों का मूल है। तो इसीलिए कहते हैं ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना स्यात्। आत्मा की ब्रह्म के साथ एकत्व का जो हो जाना है, एकत्व हो जाना, ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व हो जाने से
अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना स्यात्। संपूर्ण रूप से अविद्या की निवृत्ति होती, आत्मा ब्रह्म के एकत्व हो जाने से। समझ आया? द्वैत नहीं रहा, भेद नहीं रहा, जगत नहीं रहा, क्या हो गया? मन बुद्धि नहीं रहे, अपना जो आत्मा है वो आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गया। कब होगा? देखो, वृत्ति के विलय हुए बिना चित्त के विलय हुए बिना आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव साक्षात्कार नहीं होता। हाँ, चित्त विलय हो गया समाधि में और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गया, तो उसके पश्चात फिर भले ही वृत्ति के द्वारा व्यवहार होवे, तो उसको बोध और अनुभव जो एक बार हो गया, आपने एक बार स्वाद का अनुभव कर लिया, चख लिया एक बार, तो फिर संशय होता है क्या? मीठे को मिश्री को चख लिया, अनुभव कर लिया, पहले भाषण दे रहे थे मिश्री, आपने पूछा कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, गुड़ जैसी होती है, शक्कर जैसी, चीनी जैसी, शहद जैसी, केले जैसी, मिठाई जैसी, ऐसे बोल रहे थे, और क्या किया आपको मिश्री दे दी। फिर अब बोलने की जरूरत है क्या? भाषण देने की? अनुभव हो गया ना। अब कोई आपसे पूछे, अब आपको कभी भ्रम होगा क्या? भ्रम होगा मिश्री कैसी होती है? भूलेंगे आप ये स्वाद? भूल पाएंगे? तो वैसे ही एक बार अपने आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध हो गया तो वो बोध निरंतर बना रहता है। वो बोध समाधि से उठकर भी, ध्यान से उठकर भी, व्यवहार में लगे हुए होते हुए भी, व्यवहार करते हुए बोध बना रहता है। जैसे अज्ञानी को ये बोध अनुभव बना है कि मैं शरीर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पुरुष या स्त्री हूँ, ये बोध बना है ना, अनुभव बना है, याद रखना पड़ता है। तो वैसे ही ज्ञानी को ये अनुभव बना रहता है कि मैं चिन्मात्र आत्मा ब्रह्म हूँ, बहुत सहज रूप से, किसी प्रकार का विशेषपना नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, किसी प्रकार की कोई अभिमान नहीं, सहज रूप से ये अनुभव बना रहता है कि मैं चेतन ब्रह्म। और ये सारा दृश्य प्रपंच अनहुए ही मुझ में भास रहा है। और मेरे क्या है, मेरे मनोरंजन, जैसे मैं जाता हूँ ना, आप टीवी क्यों देखते, फिल्म क्यों देखते, फिल्म सिनेमा घर क्यों जाते हो? क्यों? आनंद लेने के लिए। इसलिए खेल के मैदान, खेल देखने क्यों जाते हो? इसलिए मर्जी होती है, चले जाते हो, जब मर्जी होती है अपने को। वैसे ही है, ये क्या है, ये तो सारा खेल है, और मेरे को ही क्या करने के लिए, आनंद देने के लिए, इसको देख करके भी मैं आनंदित हो रहा हूँ। और है क्या, ये है मिथ्या ही है, क्या है, ये मिथ्या ही स्वप्न मात्र ही है। वास्तव में तो मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। समझ आ गए? तो मेरे में तरंग है, जैसे समुद्र में तरंग खेलती है ना, तो समुद्र की तो महिमा बता रही है, इसकी महिमा बता रही है, हाँ?
समुद्र में बड़ी बड़ी तरंग, छोटी तरंग, असंख्य तरंग उठती है, किसकी महिमा है? वैसी सारा जगत किसकी महिमा है? ये सारी वृत्तियां मुझ में उठ करके और मेरे में ही नाच रही है और मेरे को ही क्या दे रही है? मेरे को आनंद दे रही है। जैसे स्वप्न में सब कुछ स्वयं से है और स्वयं ही उसको अनुभव करके क्या हो रहा है? सुखी दुखी होता है। तो वैसे ही अज्ञानी दुखी होता है और ज्ञानी आनंदित होता है। इस जगत स्वप्न को देख कर क्या होता है? आनंदित। इसलिए सर्वात्मना ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति, ब्रह्म आत्मा की एकत्व के हो जाने पर सर्वा अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना भवति, अविद्या की संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है। तो जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं है, उसको कहीं भय है क्या, दुख है क्या, भ्रांति है क्या? जिसके जीवन में क्या है? ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो भय आदि उसको छू भी नहीं पाते, स्पर्श भी नहीं कर पाते। इसको ज्ञान का, ज्ञान चांदना है वो, क्या ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। सारा अंधेरा मिट गया जहां जब अपने हृदय में क्या देख लिया? ज्ञान का दीपक। कहते हैं ना कि हृदय में दियला बारी ले, आसन सो मत डोल रे तो को पीव मिले, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। तो क्या कर? ज्ञान का दीप हृदय में बाली रे, आसन सो मत डोल। घट घट रमता राम रमैया, ऐसे कटुक वचन मत बोल रे। क्या बोला है? घट घट तेरा साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को। पहले शुरुआत तो यही से की है, कड़वा वचन मत बोलो, मतलब किसी का दिल मत दुखाओ, मतलब किसी को पीड़ा मत दो। ये तो शुरुआत है ना, दया प्रेम शुरुआत है ना अध्यात्म की। दया तो धर्म का मूल बताया ना, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं और भक्ति करना चाहते, परमात्मा को पाना चाहते हैं, कर पाएंगे क्या? तो पहली चीज है कटु को वचन मत बोल रे तो को पीव मिल जाएंगे। परमात्मा अपने हृदय में अपनी आत्मा, ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना भवति। समझ आ गया? ब्रह्म आत्मा की एकत्व हो जाने पर अविद्या की निवृत्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है और ये जीव परम सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है सबसे, अज्ञान से भी, अविवेक से भी, अभिमान से भी, राग आदि से भी, कर्मों से भी, कर्म फलों से भी, शरीर से भी और दुखों से भी। क्या हो जाता है? मुक्त हो। आज इतना ही, बाकी कल अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा शास्त्रार्थ करेंगे कैसे कैसे, वो आप कल देखना। ओम।